सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर प्रूफ देखिए, 9,000 रुपये का लोन हमें इस एप्लीकेशन से अप्रूवल में मिला है। यहाँ पर मैं जो कि इसको गेट इंस्टेंट मनी पर क्लिक करके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में इंस्टेंट ट्रांसफर कर सकता हूँ। 9 महीने का मुझे EMI दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पर मंथ का हमें जो कि इंटरेस्ट रेट 2.50 लग रहा है। उसमें आप देखेंगे कि 9,000 रुपये का लोन हम ले रहे हैं तो हमारे प्रोसेसिंग फीस में इतना पैसा लग रहा है, हमारे अकाउंट में इतना पैसा आएगा और इंटरेस्ट हमारा जो कि इतना लग रहा है और जो अकाउंट में हमें पेमेंट इतना करना होगा टोटल, ठीक है। तो आप जो है कि यहाँ पर इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं पूरा इमरजेंसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। यानी कि अगर आप जो कि इमरजेंसी में हैं तो यहाँ पर आप आसानी से विड्रॉ ले सकते हैं बिना किसी इनकम प्रूफ के और लो सिविल स्कोर पर। तो चलो जो कि इस एप्लीकेशन के बारे में आपको अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको एक हमेशा ध्यान में रखना है कि जो इंश्योरेंस प्रोटेक्शन है इसको हमेशा ऑफ कर देना। आपको कभी भी फालतू पैसे नहीं देना इसके, क्योंकि ये किसी काम नहीं आता है, आपके पैसे फालतू में लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर 500 रुपये से 9,000 रुपये के बीच में आप कितना भी ले सकते हैं, अगर कम लेना चाहते हैं तो कम ले सकते हैं। एक तरह से आपको मैं बताऊँ तो ये क्रेडिट लाइन एप्लीकेशन है, क्रेडिट लाइन आपको प्रोवाइड करती है। क्रेडिट लाइन का फायदा ये रहता है दोस्तों कि आपको यहाँ पर जितना अमाउंट आप यूज़ करेंगे उतना ही आपको जो कि यहाँ पर चार्ज देना होगा, उतना ही पैसा आप अकाउंट में ले पाएंगे। तो हम 9,000 रुपये का हमें अप्रूवल मिला है तो 500 रुपये हम मिनिमम ले सकते हैं और हम मैक्सिमम यहाँ पर 9,000 रुपये ले सकते हैं। तो क्रेडिट लाइन और लोन यहाँ पर बहुत अच्छा फायदा रहेगा। तो चलो जो कि इस एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस आएगा। क्रिएट अकाउंट पर आपको क्लिक करना, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको वेरीफाई करना, जो भी मोबाइल नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल रहेगा वो आपको जो कि यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पर जो है कि इंटर करने का भी आ जाता है, आप इंटर भी कर सकते हैं। आपके पास में एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर फिल करना होगा, ठीक है। अकाउंट बनाने के लिए आपको जो कि ये प्रोसेस तो हर एप्लीकेशन में करनी होती है। तो हम जो कि OTP यहाँ पर फिल कर देते हैं, देन यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें यहाँ पर आप देखेंगे हमें 4 प्रोसेस में हमारे अकाउंट में पैसा आ जाते हैं, जिसमें यहाँ पर जो एक देख सकते हैं ऑफर वगैरह हमें, दूसरी प्रोसेस में KYC और हमारे अकाउंट में पैसा आ जाएंगे। तो ये 4 प्रोसेस करने से पहले हमें जो कि फर्स्ट स्टेप में हमें परमिशन देनी होगी ये सारे प्रोसेस करने के लिए। तो परमिशन के लिए हम जो कि यहाँ पर नीचे आपको अलाउ का दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको जो उस पर क्लिक करना है, ठीक है। जिसके बाद में आपको जो भी परमिशन यहाँ पर मांगता है वो सारी आपको अलाउ कर देना है। परमिशन हमने जो कि सारी अलाउ कर दी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हम जो है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमारा डालना होगा, तो हम जो है कि यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल देते हैं। देन हम जो है कि यहाँ पर वेरीफाई हमारा पैन कार्ड नंबर डालना होगा। तो पैन कार्ड नंबर इसलिए मांगते हैं ताकि आपको ऑफर प्रोवाइड कर दे वो, तो ऑफर हमें सेकंड स्टेप में मिल रहा है। तो हम जो कि यहाँ पर पैन कार्ड नंबर फिल करते हैं, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है, नीचे 2 चेकबॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सिंपली उसको फिल करना है। देन आगे की प्रोसेस आना है। आगे की प्रोसेस में आपको जो है कि आपका EMAIL ID आपको जो कि यहाँ पर साइन इन करना होगा, जिसमें हम जो कि यहाँ पर EMAIL ID चूज़ करते हैं। उस EMAIL ID आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, नीचे EMAIL ID आप इंटर भी कर सकते हैं। हम जो कि यहाँ पर मैनुअली इंटर कर देते हैं हमारी EMAIL ID हमने जो कि एंटर कर दिए। देन हम जो कि यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में आपको जो कि यहाँ पर आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप बताना होगा कि आप क्या है, तो हम सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड जो भी आप यहाँ पर चूज़ कर लेना। उसके बाद में आपको जो है कि यहाँ पर आगे की प्रोसेस आ जाएगी। तो हम जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है तो हम जो कि यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड का करेंगे, बट आप जो कि यहाँ सैलरीड पर्सन में भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई भी इनकम प्रूफ आपको नहीं देनी होगी। तो हम जो कि यहाँ पर सैलरीड पर करते हैं। कन्फर्म यूर एम्प्लॉयमेंट टाइप हम जो कि आई कन्फर्म करते हैं। आई कन्फर्म करने के बाद में आपको जो कि यहाँ पर आपकी वर्क एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स बतानी होगी। इसमें आपको जो है कि यहाँ पर वर्क EMAIL ID आपको डालनी है, कोई भी EMAIL ID आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है दोस्तों। यहाँ पर मंथली इनकम आपकी कितनी है, एक और बात आपको बता दो, आपको 15,000 से हमें से ज़्यादा ही डालनी है यहाँ पर की इनकम, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इनकम प्रूफ नहीं मांगते, बट आपको इनकम प्रूफ सारी डाल के आपको आपके EMAIL ID पर यहाँ पर एक OTP आएगा। OTP यहाँ पर आपको फिल कर देना है, क्योंकि OTP यहाँ पर आपकी जो भी आपने EMAIL ID डाली उसी पर आता है। तो आप चाहें तो आपका यहाँ पर ऑफिस की EMAIL ID भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस में आपको जो है कि आपका यहाँ पर एड्रेस सेलेक्ट करना होगा। तो एड्रेस आपको जो है कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके पिन कोड से दे दिया जाता है, तो आप जो है कि यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा। नेक्स्ट पर आप आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें जो कि हमारे लिए ऑफर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ऑफर के लिए हम जो है कि यहाँ पर थोड़ी देर वेट करेंगे, लाइव आपके मैं जो है कि ऑफर प्रोवाइड करके बताऊंगा और लाइव आपको जो है कि ये पैसा मैं बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखाऊंगा। वीडियो में बने रहना, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर आप देखेंगे अप्रूव लोन लिमिट, हमें जो है कि 9,000 रुपये का लोन लिमिट अप्रूव हुआ है, जिसमें यहाँ पर आप देखेंगे पूरी प्रोसेस उन्होंने बता रखी है, लोन टर्म वगैरह और लोन डिटेल्स सब कुछ आपको बता रखा है। तो यहाँ पर आप जो भी चाहे जितना अमाउंट चाहे उतना ले सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट तो लेके जाएंगे जाएंगे आप कितना भी अमाउंट यहाँ पर ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे 2.50 का पर मंथ हमें जो कि यहाँ पर इंटरेस्ट लग रहा है। प्रोसेसिंग फीस में हमारे जो कि यहाँ पर 4% जा रहा है और यहाँ पर हमारा लोन प्रोवाइड डिटेल्स वगैरह भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ओके, आगे मैं आपको बताऊंगा इसे वो सब कुछ। तो सिंपली हम जो कि यहाँ पर एक्सेप्ट एंड नीचे कंटिन्यू आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर आपको जो कि एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है।
आगे की प्रोसेस में आपको जो है कि आपका आधार नंबर इंटर करना है, ये जो कैप्चा है यहाँ पर फिल करके देना, आपको जो है कि नेक्स्ट पर क्लिक करना है। चलो मैं ये सब कुछ फिल करके आगे आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपका एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको फिल करना है। देन आपको जो है कि यहाँ पर नीचे कंटिन्यू, उसके बाद 6 डिजिट का आपको जो है कि आपका पिन इंटर कर देना, मनपसंद कुछ भी कर सकते हैं। देन आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है कि यहाँ पर एलो पर क्लिक करना है। आपका जो है कि यहाँ पर आधार नंबर फेच करते हैं तो हम जो कि यहाँ पर एलो पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाता है, सक्सेसफुल हमारी KYC हो चुकी है। अब जो कि हमें यहाँ पर सेल्फी देनी होगी तो सेल्फी हम यहाँ पर दे सकते हैं। सेल्फी के लिए आपको ये सारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी होगी, जिसमें आप यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन आपकी रहती है वो फॉलो करके यहाँ पर सेल्फी अपलोड कर सकते हैं। सेल्फी हमने अपलोड कर दी है, यहाँ पर देख सकते हैं KYC हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है, वेरीफाई भी हो चुकी है। अब यहाँ पर हम जो कि कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू आप जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर लास्ट स्टेप बची है, आप किस बैंक अकाउंट में पैसा लेना चाहते हो। तो बैंक अकाउंट में हम पैसा लेने के लिए यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड हम इंटर करेंगे। तो IFSC कोड आप जो है कि यहाँ पर आपकी पासबुक में देख सकते हैं या फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, IFSC कोड आपको आसानी से मिल जाता है। चलो ये फिल करके हम जो है कि यहाँ पर नीचे प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बैंक अकाउंट हमारा वेरीफाई किया जा रहा है, 1 रुपये हमारा ट्रांसफ़र करके, ठीक है। तो हम जो है कि यहाँ पर थोड़ी देर वेट करते हैं और 1 रुपये यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर जो है कि ऑटो डेबिट सेट करना होगा, ये मैंडेट करना आपको जरूर रहता है। ऑटो डेबिट में आपका यह रहता है कि आपका EMI आसानी से वो ऑटोमेटिकली कट जाती है। तो हम जो कि यहाँ पर डेबिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, तो मैं आपको रिकमेंडेड डेबिट कार्ड से करूँगा, जो कि आसानी से फास्ट हो जाता है वो। तो हम जो कि यहाँ पर इमीडिएट डेबिट कार्ड से करते हैं, यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यह अब यहाँ पर आपको जो है कि इमीडिएट कर देना है, प्रोसेस कर देना है, आगे की प्रोसेस आ जाएगी आपके सामने। उसके बाद आपकी डेबिट कार्ड डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। डेबिट कार्ड का आप जो है कि यहाँ पर ऊपर नंबर फिल करना है। हम जो डेबिट कार्ड की डिटेल्स फिल करके यहाँ पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर फिल करना है। देन 1 रुपये का पेमेंट आपको यहाँ पर सेंड कर देना है, ठीक है। तो हम जो कि यहाँ पर OTP हमारे पास में आ चुके हैं, OTP हम जो कि यहाँ पर फिल कर देते हैं। OTP फिल करने के बाद में मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। OTP हमने फिल कर दिया, देन मेक पेमेंट पर आपके सामने में यहाँ पर पेमेंट करके दिखाता हूँ, यानी कि EMI आप कर देंगे तो आपको यहाँ पर आसानी से वो पैसा ट्रांसफर कर देते हैं आपके बैंक अकाउंट में इंस्टेंटली। हमने जो कि EMI यहाँ पर सक्सेसफुल कर दिया, आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेस हो चुका है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में ऑटोमेटिकली आपको पहुँचा देंगे, नीचे सेकंड चल रहा है आप देख पा रहे होंगे। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास में जो कि यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस में पहुँचा दिया जाता है। हम थोड़ी देर वेट करते हैं, यहाँ पर थोड़ी देर वेट करेंगे तो आप देख सकते हैं साइन एंड लॉगमेंट डॉक्यूमेंट आपको जो कि साइन करना होगा। तो आपके डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। देन हम जो यहाँ पर साइन करते हैं तो आप उंगली से ये साइन कर सकते हैं, यहाँ पर आप मैनुअली भी। तो हम जो कि यहाँ पर साइन कर देते हैं। साइन करने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको जो कि साइन नो पर क्लिक करना है। साइन हमारा हो चुका है सक्सेसफुल। अब यहाँ पर आगे की प्रोसेस में आपको इस प्रकार से आता है। देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको जो है कि आपकी लोन की डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। लोन की डिटेल्स में जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप जो है कि यहाँ पर 9,000 रुपये से कितना भी अमाउंट यहाँ पर ले सकते हैं। 9,000 रुपये या फिर 500 रुपये या फिर 1,000 रुपये, जितना भी आप चाहे उतना ले सकते हैं। 9 महीने की EMI करवा सकते हैं, 6 महीने की, 3 महीने की, आप जितना चाहे उतना यहाँ पर करवा सकते हैं। आप यहाँ पर बैंक अकाउंट आपका देखने को मिल जाता है। अब यह 9,000 रुपये हम लोन ले रहे हैं, प्रोसेसिंग फीस हमारा 360 रुपये लग रहा है, 65 रुपये GST लग रहा है। उसके बाद में आपको जो है कि यहाँ पर 399 रुपये इंश्योरेंस का लग रहा है, जिसको आपको अनटिक करना होगा। तो इसको हम अनटिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको जो है कि आगे के प्रोसेस में भी देखने को मिल जाता है कि आपकी EMI किस किस डेट से आती है, ठीक है। तो EMI डेट वगैरह भी सब कुछ बता दिया जाता है, कितनी EMI आएगी, कितनी नहीं, किस तारीख को आएगी, वो भी सब कुछ आपको वहाँ पर पता चल जाता है ऑलरेडी। तो यहाँ पर सब कुछ अगर सही रहता है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पर जो है कि नीचे का गेट इंस्टेंट मनी का दिखाई दे रहा है, सिंपली उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो उस पर क्लिक करके आप अकाउंट में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको जो है कि इस एप्लीकेशन में इंस्टॉल करना है। चलो इसका नाम आपको बता देता हूँ मैं, इसका क्या नाम है क्या नहीं। तो इस एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर आपको जो है कि जाइप एप्लीकेशन है, इसका मैं प्ले स्टोर पर आपको बता देता हूँ। दोस्तों एप्लीकेशन का नाम है इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप जाइप। जाइप एप्लीकेशन ये अभी न्यू एप्लीकेशन, यानी कि वो तो गया काफ़ी टाइम, बट इसे अभी कोई जानता नहीं है। तो आपको मैं बताऊं तो ये बहुत अच्छे रिव्यू के साथ में यहाँ पर अवेलेबल है। 4.2 रेटिंग के साथ में आप यहाँ पर देखेंगे 1 मिलियन प्लस के डाउनलोड है। 5 लाख रुपये तक आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। उसके बाद में नीचे हम चलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 4.2 रेटिंग में आप देखेंगे कि अच्छे अच्छे रिव्यू यहाँ पर है। उसके साथ में आपको जो कि यहाँ पर वो आपका रिप्लाई भी देते हैं कोई भी इशू रहता है। तो आप जो कि डेट भी देख सकते हैं, 15 तारीख की बात है, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। आप यहाँ पर रिप्लाई देख सकते हैं, उनका रिव्यू भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हर एक रिव्यू जो देते हैं उनका रिप्लाई भी करते हैं, कोई भी परेशानी आती है तो उनका भी आप जो है कि सोल्यूशन निकालते हैं। तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके इसमें अप्लाई करना मैंने आपको बता दिया है। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर कोई भी आपकी परेशानी आते हैं तो कमेंट में उसे पूछ लेना। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हम किसी और अनदर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।